शायद कल शाम को एक्सीडेंट हो गया। वो मोटरसाइकिल पे था, एक ट्रक ने टक्कर मार दी। Is he all right? उसकी टांग टूट गई, वैसे शुक्र है उसकी जान बच गई। तन्या मैं आई थी तुम्हारे पास अच्छा बताने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी? क्या मतलब मेरी बात सुनी? ये ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जबरदस्ती बताई जाती हैं, और अंगूठी भी उस शख्स से नहीं, उससे। मुझे आज नेपोलियन बोनापार्ट से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आपने सही अंदाजा लगाया, मैं डॉक्टर एमर को पसंद करती हूँ, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो मुझसे बड़े हैं या वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। क्या रिश्ता हो सकता है एक नर्स का एक एसी के साथ? कौन सा एसी एक नर्स के इतने करीब होता है? क्या लगती है वो आपकी बैचमेट है, कॉलीग है आपकी, क्या है? ओ, मेरा मतलब था कि तुम कि जब तक आप ऑफिस नहीं आएंगे मुझे ऑफिस में देर तक बैठना होगा। सर आज दिन क्या? मंडे। सर अभी काफी दिन बाकी। वैसे मुझे पता नहीं है तुम्हारी दुनिया में ऐसे मौकों पे हाथ मिलाए जाते हैं, नाक रगड़ते हैं या कान खींचते हैं। लेकिन वो साथ वाले घर में शुमाइला है ना, वो और मोदी की मम्मा वो तो उसके पास रहती हैं, और आपकी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा भी आपकी मम्मा के पास है। तुम लोगों के तो ऐसे कोई खास मसले हैं भी नहीं, लेकिन मुझे तो नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है। वैसे तुम्हारे मसले बाकी खास है, क्योंकि तुम उन्हें खुद बहुत मेहनत से बनाती हो। मेरी तरह? सब तुम्हारी तरह हौसले वाले नहीं होते दानियाल। सायरा इतना बड़ा दुख अकेले नहीं सह सकेगी। दुख और वक्त एक जगह कायम नहीं रहते। I need two of you to come out here, one to talk in favor and one to talk against it. सीमा, why don't you come out? नहीं, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। ये तुम्हें अब पता चल रहा है? हाँ, मुझे अब पता चला है, जब बकौल तुम्हारे मैंने ये मुसीबत मोल ले ली। मुझे पता ही है, आपको कोई मेरे में प्रॉब्लम नजर आ रही है? मेरे ख्याल है आप जाएं। जी। मैं इनसे बात करती हूँ। तो मैं कितने बजे आऊँ? कोई घंटे में। एक घंटा क्यों, इतने क्या आपने मुझसे बातें करनी है? एक नया फलसफा था। अच्छा। कि खतरा अपनी जात के लिए खतरा नहीं होता। आनी, अगर आप इनकी बातों को नोट करें ना तो खासी अमीर हो सकती हैं आप। I don't think मैंने कोई ऐसा रूल बनाया जिसमें मेरे एम्प्लॉयज मेरे साथ खाना नहीं खा सकते, और अगर अपनी मर्जी से नहीं खाना चाहते तो आई गेस बोर नहीं होना चाहते। सुना है ये घर बिक रहा है? इस सदी में तो ये घर हरगिज नहीं बिकेगा। इस घर की हर वो दीवार मैं तोड़ूंगी जो आपने और अब्बा मियां ने खड़ी की। कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा खैर, मैंने इसलिए फोन किया था कि आज मैंने अस्मा और फरवा को डिनर पे बुलाया, तुम भी आ जाओ, बहुत अच्छा होगा। अब कुछ नहीं, जो भी बातें होंगी बाद में होंगी। तुमने आपको बस ठीक कर लो खिजर, अभी भी कुछ नहीं बदला। ये बेहतरी सोची आपने, तो आप भी गौर से सुनिए। आप चली जाएं अदालतों में और वकीलों के पास, ये मकान मैं नहीं छोड़ रही और ना ही ये जमीन। बस करो तौफीक। जितना नुकसान तुमने करना था कर दिया, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और बेहतर होगा कि यहाँ पे दोबारा वापस मत आए। तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों नहीं होने दी उसकी शादी, आप ही ने तो रोका है। अपनी गलती का तो कोई हिसाब किताब नहीं, बस मैं ही एक पागल हूँ, एक शैतान हूँ मैं इस घर में, बाकी सब फरिश्ते। क्या हुआ अम्मा, बाबा नहीं आए अभी तक? नहीं, घर में सब तैयार हैं, और ये भी उनको पता है कि 8 बजे का बुलावा है, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं और ना ही अपना फोन उठा रहे। हमेशा मुझे ऐसे बताती हो जैसे कोई आफत आने वाली हो। कितनी बार कहा है जब उनकी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को फोन करो, लेकिन नहीं, तुम मेरे पास आ जाती। मैं डॉक्टर नजर आती हूँ तुम्हें, मैं उनका इलाज करूंगी। नहीं ना, जाओ 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 शादी पे। तुम्हें क्या परवाह कि घर में कोई जिए या मरे, तुम्हें बस अपना हल्ला गुल्ला चाहिए। हाँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सहारों की तलाश सिर्फ कमजोर लोगों को होती है। हमारे बेटों के दुखों ने हमें इतना मजबूत कर दिया कि अब हमें उनके सहारों की जरूरत नहीं।
इस खानदान की रिवायत है कि सास अपनी बड़ी बहू को देती है और फिर अपनी बड़ी बहू अपनी बड़ी बहू को। तो आज ये इमानत मैं अपनी बड़ी बहू को दे रही हूँ।